बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में देवदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी व बच्चे के साथ रहता था। ब्राह्मण व उसकी पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा मिला। उसे देखकर ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपने घर के अंदर ले आई और उसे अपने बच्चे की तरह ही पालने लगी। ब्राह्मण की पत्नी बच्चे व नेवले दोनों को अक्सर पति के काम पर जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम से चली जाती थी। नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ध्यान रखता था। दोनों के बीच का अपार स्नेह देखकर ब्राह्मणी बहुत खुश थी। एक दिन अचानक ब्राह्मण की पत्नी के मन में विचार आया कि कहीं यह नेवला मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे, आखिर जानवर ही तो है, जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। समय बीतता गया, नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच का प्यार गहरा होता गया। एक दिन ब्राह्मण अपने काम से बाहर गया हुआ था। पति के जाते ही ब्राह्मणी भी अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। इसी बीच उनके घर में एक सांप घुस आया। इधर ब्राह्मण देवदत्त का बच्चा आराम से सो रहा था, उधर सांप तेजी से उस बच्चे की ओर बढ़ने लगा। पास में ही नेवला भी था। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा तो वह सतर्क हो गया। नेवला तेजी से सांप की ओर लपका और दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई। आखिर में नेवले ने सांप को मारकर बच्चे की जान बचा ली। सांप को मारने के बाद नेवला आराम से घर के आंगन में बैठ गया। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी भी लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुंह को देखा तो वह डर गई। नेवले का मुंह सांप के खून से लथपथ था। लेकिन इस बात से अनजान ब्राह्मणी ने मन में कुछ और ही सोच लिया और वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे लगा कि नेवले ने उसके बेटे की हत्या कर दी। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने पास में पड़ी लाठी उठाई और उस नेवले को पीट पीट कर मार डाला। नेवले को जान से मारने के बाद ब्राह्मणी अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर तेजी से भागी। वहां बच्चा हंसते हुए खिलौनों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नजर पास में मरे पड़े सांप पर गई। सांप को देखते ही ब्राह्मणी को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन गुस्से और अपने बच्चे के मुंह में उसने बिना सोचे समझे नेवले को मार दिया। अब ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसी समय ब्राह्मण भी घर लौट आया। वह पत्नी की रोने की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। उसने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब उसने अपने पति को सारी कहानी सुना दी। नेवले की मौत की बात सुनकर ब्राह्मण देवदत्त को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें बच्चे को घर में अकेले छोड़कर जाने और अविश्वास का दंड मिला है। इस कहानी से सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। साथ ही विश्वास की डोर को कभी शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए।